सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले दिल्ली कैपिटल्स टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि मेरे मुताबिक वो हमें दिल्ली कैपिटल्स टीम के तीसरे मुकाबले में कन्फर्म खेलते हुए दिखाई देगी। तो जानने के लिए इस वीडियो को हमेशा की तरह अंतर दिखा रहा, अभी दिल्ली कैपिटल्स टीम के फैन है और आप भी चाहते कि दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आईपीएल 2023 की ट्रॉफी जीत जाए, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको दिल्ली कैपिटल टीम से जुड़ी अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको भी दिल्ली कैपिटल्स टीम की न्यूज सबसे पहले देखनी है तो भी आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए हमें टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे आपको दिल्ली कैपिटल्स टीम की न्यूज सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो हम आपको बता दें कि हमें दिल्ली कैपिटल्स टीम का तीसरा मुकाबला 8 अप्रैल 2023 को कन्फर्म देखने को मिलेगा, जो कि राजस्थान टीम के अगेंस्ट होगा। दोस्तों ये मुकाबला हमें राजस्थान टीम के होम स्टेडियम यानी गुवाहाटी के सांदर स्टेडियम में दोपहर को 3:30 बजे से लाइव देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम को पिछले दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, इसी बात को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स टीम चाहेगी कि वो तीसरे मुकाबले में शानदार खेल दिखाए ताकि वो आईपीएल 2023 में अपनी पहली जीत हासिल कर ले। दोस्तों आपको बता दें कि हमें दिल्ली कैपिटल्स टीम की प्लेइंग 11 में बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि मेरे मुताबिक वो हमें तीसरे मुकाबले में कन्फर्म खेलते हुए दिखाई देगी। दोस्तों हमें खेलते हुए दिखाई देंगे शानदार बल्लेबाज डेविड वार्नर, दूसरे नंबर पर आएंगे पृथ्वी शॉ, तीसरे नंबर पर आएंगे मिचेल मार्श, चौथे नंबर पे आ सकते हैं वो है मनीष पांडे, पांचवें नंबर पे आएंगे रोमन पावल, छठे नंबर पे आएंगे अभिषेक पोरल, सातवें नंबर पे आएंगे अक्षर पटेल, आठवें नंबर पे आएंगे अमन खान, नौवें नंबर पे आएंगे कुलदीप यादव, दसवें नंबर पे आएंगे एंडिक नोकिया, जबकि ग्यारहवें नंबर पे आएंगे वो है खलील अहमद। दोस्तों मेरे मुताबिक कि दिल्ली कैपिटल्स टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 है, जो कि हमें तीसरे मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमें पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स टीम की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।